हेलो हेलो मिस्टर नाले नानावटी, मैं शीतल सिंघानिया बोल रही हूँ। हाय शीतल, लॉन्ग टाइम यार, मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद, राइट? तुम भूल रहे हो नालन, तुम मेरी शादी में आए थे और अब मैं सुन रही हूँ कि तुम शादी कर रहे हो। सही सुना है तुमने। इनफैक्ट मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैं लड़की को जानती हूँ नालन, सुनीति वर्मा। सोचती हूँ उसे बता ही दो। क्या? वही छोटी सी कॉन्क्यूबाइन जो तुमने अपने पेंट हाउस में छुपा कर रखी है। लगता है बड़ी अच्छी दोस्त है तुम्हारी। दोस्ती तो बराबर वालों में होती है नालन, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्यों दीदी, कहाँ हैं तुम्हारे लड़के वाले? मेरे नहीं तुम्हारे, वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन कब? Somebody is getting impatient. भाई सब्र करो, सब्र करो, तुम्हारा दूल्हा आता ही होगा, सफेद घोड़े पे सवार, सपनों का राजकुमार, जो तुम्हें उठाकर अपने महल ले जाएगा, हम सबसे दूर, और तब तुम पराई हो जाओगी। दीदी, हेलो। हाँ हाँ हाँ, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, 1 मिनट। नाना बेटी कैसे? हेलो, क्या हुआ? किसी सिमरन कहाँ है? वो तो बॉस के कैबिन में है। लो क्या सिमरन, वो बंगाली एक्ट्रेस है ना, सुनैना सेन, मुझे उसका लाइफ स्केच नहीं चाहिए। मैं ये नहीं जानना चाहती कि उसकी बेटी या उसकी बेटी की बेटियां क्या कर रही है। ये जितना लंबा चौड़ा आर्टिकल तुमने लिखा है ना, ये सब बकवास है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि वही सुनैना सेन जो 10 साल पहले पब्लिक अपीयरेंसेस करना छोड़ दी थी, वो आज करती क्या है, वो लगती कैसी है, वो बात कैसे करती है। ये बकवास लिखने को कहा किसने तुमसे? मैंने कहा। आपने पापा? सुनैना सेन पर आर्टिकल 2 इश्यूज में आया। पहले इशू में यह बताया जाएगा कि सुनैना सेन का पास्ट क्या था, वो थी क्या, ताकि आज की जनरेशन को उसके प्रेजेंट में इंटरेस्ट आ सके। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। सुनीति का है, वो आई नहीं अब तक। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। मेरी बातें? हाँ, तुम्हारी बुराई कर रहे थे, है ना पापा? देर से आने वाले की तारीफ भी तो नहीं कर सकते। मतलब जिया जी फोन नहीं किया था? ओह हाँ, मुझे तो बताने का वक्त ही नहीं मिला। क्या बताने का वक्त नहीं मिला? यही कि ए सुनिधि, तू बता ना, न्यूज़ तो तेरी है ना। न्यूज़? मैं नहीं, कोई न्यूज़ नहीं है। क्या मतलब कोई न्यूज़ नहीं है? हाँ, इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। सिमरन, मैं तो कहती हूँ तू सबको यहीं बुला ले। नहीं सिमरन। क्या नहीं सिमरन? हाँ पापा, इट्स गुड न्यूज़। और सुनीति, मैं चाहती हूँ कि तू अपने मुंह से हम सबको सुनाए। अरे लेकिन गुड न्यूज़ है क्या? मेरी शादी की बात चल रही थी। अरे हाय, देखो कैसे शर्मा रही है। तुम शादी कर रही हो? ओह वाओ, रियली? तुम शादी कर रही हो? उस दिन लगी गाय। बोलना सुनीति, कब करें शादी? Oh my God, ये तो रो रही है। सुनीति, चुप हो जा यार। Oh, I understand. लड़के ने तुझे रिजेक्ट कर दिया क्या? You poor thing. वो लोग तो आए ही नहीं। क्यों? फोन करके कह दिया कि उन्हें लड़की पसंद नहीं। तुझे देखे बगैर? नहीं, चीचा जी ने तस्वीर दिखाई थी मेरी उन्हें। कोई बात नहीं सुनीति, होता है ऐसे, लेकिन देख लेना तुझे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। हाँ, और जिससे तेरी शादी होगी ना, वो दुनिया का लकीस्ट इंसान होगा, क्योंकि कहाँ मिलती हैं आजकल ऐसी लड़कियाँ। हाँ, इतनी खूबसूरत, इतनी इंटेलिजेंट, जो शादी के बाद अपने पति को, अपने घर के साथ अपना जॉब भी संभालेगी। ज़रूर उस लड़के ने पिछले जन्म में पुण्य किया होगा जो उसे तेरी जैसी लड़की मिलेगी, है ना? हाय तरुण। हाय। जैस्मिन नहीं है? वो तो रूपाली कह गई। अरे उसने खुद मुझे यहाँ बुलाया, खुद चले गई। I don't know, वो मुझे कुछ बताकर नहीं गई। Would you like to have a drink? No thanks actually. ले लो ना, please. Okay, लेकिन तुम भी मेरे साथ ड्रिंक पियो ना। मैं? Okay. हेलो जैस्मिन, कहाँ हो तुम? हाँ मिनी है यहाँ पे। हाँ वन सेकंड। मिनी, मिनी, जैस्मिन का फोन तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाय जैस्मिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। शिकार जंगल में गया है ना, उसे पहले दिन ही सारा जंगल मत दिखा देना, बल्कि धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा जंगल दिखाना, ताकि उसका इंटरेस्ट जागे। समझ गई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कितने बजे तक आएंगी? ठीक है, हम डिनर साथ में लेंगे। क्या कहा जैस्मिन ने? पूछ रही थी कौन से शेड का नेल पॉलिश लेके आओ। तो तुमने बताया नहीं कौन सा शेड? तुम्हें कौन सा रंग पसंद? मैं उसी शेड की नेल पॉलिश लाऊंगी और उसी शेड की लिपस्टिक। प्रभाकर, इसकी कॉपी बनवाकर सुनैना सेन को भिजवा देना। उन्होंने कहा था कि उनका आर्टिकल छापने से पहले वो उसे अप्रूव करना चाहेगी। ओके। There you go. शीतल कहाँ है? शायद वो लंच पर गई है। लंच? हाँ, हमें भी लंच करना चाहिए ना। मैं सर से पूछ के आती कि उन्होंने लंच किया कि नहीं। ओके। सर? कम कम कम, बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है तुमने कंचन कुमारी पर, और मुझे नहीं मालूम था कि ये कंचन कुमारी की माँ इतनी मोटी है। कब लिखा ये आर्टिकल? आज ही सर। आज? मेरा मतलब तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत अपसेटिंग था। सर, यूपीएससी में आते ही मैं अपने सारे पर्सनल प्रॉब्लम भूल जाती हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, हर लड़की की होती है। एक बात पूछूं सुनीति? पूछिए ना सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? शादी के बाद तुम यूपीएससी छोड़ दोगी? नो सर, नेवर। इनफैक्ट मैंने दीदी और चीज़ों को भी कह दिया है कि कहीं पर भी मेरी बात चलाने से पहले ये बात साफ कर दे कि मैं यूपीएससी कभी नहीं छोड़ूंगी। तो तुम्हारी बात कहीं चल रही? मुझे नहीं पता सर। एनीवे सर, आपने खाना खा लिया? ये तुम्हारा आर्टिकल पढ़ते पढ़ते वक्त का पता ही नहीं चला। तुम्हारी उम्र क्या है? जी मैं जानता हूं कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछना चाहिए, और वैसे मुझे तुम्हारी उम्र मालूम है। क्या है सर? शादी के लायक? शादी के लायक तो तुम्हारी भी उम्र हो गई अब है। तुम कब शादी कर रहे हो? जब तुम कहो। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या सिर्फ पाना चाहते हो? तुम्हें पाने के लिए अगर तुमसे शादी करनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। हाय शीतल। हाय। हाय विशाल। हे, कम हाउ डू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। शीतल, हाय। हाय विशाल। हाउ यू डूइंग? आई एम फाइन। टेक इट गाइस, कम ऑन। शादी का तो जैसे सीजन ही चल रहा है। ये देखो विशाल और मालती, ये भी तो शादी कर रहे हैं। इतना प्यार जो इन दोनों में है। प्यार माय फुट। वो नई लड़की है ना कांचन कुमारी, और ये विशाल घंटों मेकअप रूम में लॉक करके बैठे रहते हैं। कैसी बातें करती हो शीतल, अरे कुछ ही दिनों में इनकी शादी होने वाली है। मालती को पता चल गया तो? उसे पता होगा। सारी लड़कियां सुनीति वर्मा जैसी बेवकूफ नहीं होती, जिसे ये भी नहीं पता कि उसकी शादी की बात क्यों बॉट हो गई। शीतल, मैंने एक चीज नोटिस किया है, आजकल तुम्हारी हर कॉन्वर्सेशन जो है ना, वो सुनिधि वर्मा पे ही आके कंप्लीट होती है। अभय, मैं इस सुनिधि वर्मा को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहती हूँ। खाना खत्म कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे मारने के चक्कर में तुम भूखी मर जाओ। ईट। मर जाऊंगी, सच में मर जाऊंगी अगर मैंने इस सुनिधि वर्मा को नहीं मारा। दीदी, हाँ कुछ और इसलिए करना है तो कह दो। नहीं, चल तो बस कर, खाना खा ले, खाना रेडी है। दीपक, तारा, खाना लग गया है, चलो। चल पापा खाना खा लेते हैं। नो बेटा नो, देखो पहले मीनिंग्स लर्न करो, कल तुम्हारा यूनिट टेस्ट है। अच्छा मुझे बताओ, सम्मान पूर्वक का क्या मतलब है? सम्मान पूर्वक, हाँ, आदर के साथ। करेक्ट। देखो बेटा, इसमें जो द है वो दरवाजे वाला है, ना कि ध धनुष वाला। ओके ओके। अच्छा मुझे बताओ, यथाशक्ति का क्या मतलब? यथाशक्ति, 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 यथाशक्ति। ये सुनिधि, नो प्रॉम्प्टिंग, नो प्रॉम्प्टिंग, नो चीटिंग बेटा। जीजू, मैं थोड़ी प्रॉम्प्ट कर रही हूँ। ए तारा, मैंने कुछ कहा क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। नहीं मालूम ना यथाशक्ति का मतलब? यथाशक्ति का मतलब ताकत के अनुसार। Now write it 5 times. 5 times? 3 times. No तारा, मैंने बोला 5 times mean 5 times. अच्छा 4 times? तारा, अब तक तो 10 बार लिखकर हो गया होता। अब चलो आकर खाना खा लो, एटलीस्ट मेरा काम तो खत्म हो जाए। टेस्ट के लिए लास्ट मिनट प्रिपेयर करोगे ना तो ऐसा ही होगा। बात तो ठीक कह रही तुम्हारी मम्मी। पता है तारा, मेरे भी बॉस हमेशा मुझसे कहते हैं कि लास्ट मिनट के लिए काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जल्दबाजी में काम हमेशा बिगड़ जाता है। अच्छा, जैसे आपकी शादी की बात बिगड़ गई। हर्ट तो कोई भी लड़की हो जाएगी अगर उसे कोई देखे बगैर ही रिजेक्ट कर दे तो। सुनीति ने बताया तो था कि उसकी तस्वीर दिखाई गई थी लड़के को। सुनीति क्या खूबसूरत नहीं है? खूबसूरती सूरत से नहीं होती, सीरत से होती है। और सुनीति की सीरत, उसका चाल चलन, उसकी परवरिश, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ रोनी, कि वो जिस भी घर की बहू बनेगी ना, उस घर को स्वर्ग बना देगी। ओह, अब मैं समझी। क्या समझी? यही कि आज आप ऑफिस की बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं। बात सिर्फ हमारे ऑफिस की नहीं है, बात हमारे घर की है, हमारे अपने बेटे की है। अगर तरुण जैसे आवारा और नाकारा लड़के को सुनीति जैसी ठहरी हुई काबिल लड़की मिल जाए ना, तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। यही सोचकर मैंने फैसला किया है कि मैं सुनीति की शादी हमारे बेटे तरुण से करूँ। ये मेरे साथ नहीं हो सकता। मैं जिसे अपने ऑफिस से निकालने के लिए दिन रात कोशिश कर रही हूँ, उसे पापा मेरे घर लाना चाहते हैं, इस घर की बहू बनाना चाह रहे हैं। नहीं, तरुण की शादी सुनीति से नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अगर वो इस घर की बहू बन जाए तो मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी, कभी नहीं। और मीरा, अगर मीरा इस घर की बहू बनती है तो उसका तो यूपीएससी से कोई लेना देना ही नहीं होगा। मैं यूपीसी को पाने में कामयाब हो जाऊंगी। सारा पार मेरे हाथ में होगा। तारुण तो कुछ करने से रहा, वो तो बस पापा के आगे सिर्फ सर झुकाएगा और उनकी सारी बात मान लेगा और कर बैठेगा उस सुनीति वर्मा से शादी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे तारुण से बात करनी होगी। ठीक है सर, वही जो तुम चाहती हो। शीतल दीदी। हाँ दी, कहाँ हो तुम? मैं एक दोस्त के आऊँ। कौन? खानिया भाई? नहीं, आप नहीं जानती इस दोस्त को और मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन जो मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है तारुण। Something serious? Very serious. We'll have to meet right now, तारुण. Right? ठीक है, मैं घर आता हूँ फिर। नहीं, घर नहीं, क्योंकि घर वाले नहीं जानते कि मैं ये बात जानती हूँ। कहीं और मिलते हैं तारुण। दीदी, इस वक्त मैं कहाँ मिलना है? इस वक्त तो सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट खुला होगा, नाइट कैप्स। फाइन, आई विल सी यू एट नाइट कैप्स। ओके।